हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। ये देखिए, सुबह सुबह तो मुझे गार्डन में आना ही होता है अपने प्लांट्स को देखने और पूजा के लिए फूल लेने, तो इसी बीच मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। मैं कभी कुछ सोच के नहीं बनाती, बहुत कम ऐसा टाइम होता है कि थोड़ी प्लानिंग करके मैं बनाती हूँ कि आज मुझे ये दिखाना है, नहीं तो फिर मैं सुबह गार्डन में आती हूँ और आप लोगों से अपना गार्डन एक्सपीरियंस जो भी चीज़ें हैं मैं शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखिए, लगभग मैंने अपने प्लांट्स को इस सीज़न के गर्मी से बचाने का बंदोबस्त कर लिया है बिना किसी ग्रीन नेट के। थोड़ा थोड़ा छाया प्रोवाइड मैं कर दी हूँ, ऐसी जगह पे रख दी हूँ कि ऑटोमेटिकली इनको कुछ घंटों की ही धूप मिले, तो एक दो दिन में इनकी रंगत बदल गई। देखिए, तो मैं आप सबको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके उतना ही काम करें, थोड़ा थोड़ा ही करें। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे गार्डन में जितने भी दुनिया में प्लांट्स हैं वो सारे कलेक्शन हमारे गार्डन में रहें ही। हमारे पास जितने प्लांट हैं हम उनको ही अच्छे तरीके से देखभाल करके हेल्दी रखें, तो वो भी कम नहीं है, काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा कलेक्शन हो, बहुत महंगे प्लांट हो, बहुत महंगे प्लांटर हो, बिल्कुल भी नहीं। और गार्डन का काम तो ऐसा है, कभी ख़त्म ही नहीं होता, तो इस चीज़ को भी थोड़ा आप अपने पे बर्डन ना लें कि अरे अब मानसून आ रहा है, ये कटिंग लगानी है, ये करना है, वो करना है। जितना हो सके उतना आप करिए, आराम आराम से अपने घर को, अपने फैमिली को टाइम देते देते जो भी समय आपका बच रहा है, और ख़ुद को, सबसे बड़ी बात है ख़ुद को। आज की डेट में तो हमारे लिए हो गया है कि प्लांट्स को टाइम देना ही खुद को टाइम देना हो गया है। मतलब खुद को टाइम देने से अच्छा ये ही लगता है कि हम प्लांट्स के बीच में रहें और थोड़ा बहुत इनके साथ टाइम स्पेंड करें और कुछ काम भी कर लें। तो वही मैं बोल रही थी कि जितना हो सके वही करिए, जितने प्लांट हैं आप उनको ही संभाल के आगे लेके चलिए अगर टाइम कम है तो। हम इंसान ही हैं, एक ही इंसान कितना क्या क्या करेगा, तो जितने भी हमारे गार्डन में प्लांट हैं हम उनको ही संभालें। और अगर नहीं हो पा रहा है तो बहुत ज़्यादा कुछ नया करने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे अगर इजली हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये करना है वो करना है, मिट्टी बदलनी है, इसको सुखाना है, कंपोस्ट रेडी करना है, बिल्कुल नहीं। और मैं कोई आपको गलत सजेशन नहीं दे रही हूँ, मैं खुद भी यही करती हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इंसान पागल हो जाता है इन सब चीज़ों के बीच में फंस के, उसको समझ ही नहीं आता कि वो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहा है, इन्हीं सब चीज़ों में फंस के रह जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा अपने गार्डन को संभालना सही है, पर अभी इतनी गर्मियों के बीच में कुछ नया करने की ज़्यादा कोशिश ना करें, जितना है उतने को ही आप संभाल के आगे लेके जाएं, उन्हीं से आपको बहुत कुछ आगे मिल सकता है। ये देखिए, येलो कलर का मेरा कनेर उधर खिला हुआ है, उधर जा नहीं पा रही हूँ, बहुत प्यारे लगते हैं। और ऑरेंज वाले भी मैंने चार प्लांट जो लगा रखे हैं, पता नहीं सीज़न खिल पाएगा या नहीं, क्योंकि वो सीड से ग्रो हुए थे, बारिश आने तक तो खिल जाना चाहिए। ये देखिए चंपा, ये भी खिलने वाले हैं,
इधर मैंने चंपा कटिंग से लगाए थे, कटिंग में ही ये देखिए बर्ड्स बने और खिलने लगे। तो कटिंग्स से लगे हुए प्लांट का यही कमाल होता है कि उसमें फ्लॉरिंग तुरंत होने लगती है, क्योंकि वो मैच्योर हो चुका रहता है। हम मैच्योर प्लांट से कटिंग लेते हैं तो वहीं से वो अपना काम स्टार्ट करता है। अगर हम सीड से ग्रो करते हैं तो उनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बस यही थी आज की मेरी छोटी सी शेयरिंग। मैं हमेशा कहती हूँ ना, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तो उसके कहने का ही मतलब होता है कि मस्त होकर गार्डनिंग करें, बहुत ज़्यादा बर्डन लेके नहीं। हम गार्डन अपना बनाए हैं एंजॉय करने के लिए, खुश रहने के लिए, तो हो गया ना, जितना है उतना चल रहा है। अगर टाइम मिल रहा है तो ठीक है, कुछ नया कर लेंगे, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। तो ओके फ्रेंड, पसंद आए मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, और जो भी भाई बहन नए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं, और स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और अपने अपने फेवरेट कामों में व्यस्त रहें। ओके फ्रेंड। Bye.